हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉकटेक एसएम और आज जिस प्रोडक्ट की हम बात करेंगे वो है पिको का एयर फ्लोट। चलिए जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। तो दोस्तों, जब कभी भी हम अपनी बाइक से लंबी दूरी का जो सफ़र है उसको तय करते हैं तो होता यह है कि 40 किलोमीटर या 45-50 किलोमीटर चलने के बाद हमारी जो थाइज है या हमारा जो हिप है वो पूरी तरह से बोलिए दर्द करने लगता है या एयर पास नहीं होने के कारण काफ़ी तरह की परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मैक्सिमम राइडर्स के साथ होती है और जिसके कारण कि काफ़ी लोग बाइक से लॉन्ग राइड पसंद नहीं करते। उसी को दिमाग में रख करके इस प्रोडक्ट यानी कि फिगो एयर फ्लोट को डिज़ाइन किया गया है और उसी के बारे में हम बात करेंगे आपसे। सबसे पहले आप देखिए इस प्रोडक्ट को, तो ये प्रोडक्ट इसी तरह से आता है, कोई कार्डबोर्ड में पैक नहीं होता है ये प्रोडक्ट। तो मैंने जस्ट इसे बॉक्स से निकाला और मुझे ये मिला। तो सबसे पहले जो है वो है ये एक रेन कवर है। मैंने थोड़ा महंगा वाला प्रोडक्ट मंगवाया था क्योंकि एक आप देखते होंगे एक ब्लैक लेदर होता है यहाँ पर और ये ब्लैक होता है, लेकिन ये थोड़ा सा लगता है ज़्यादा नहीं, 100-150 रुपए के आसपास का अंतर होता है इसमें। और मैंने ये मंगाया, मुझे पसंद था और थोड़ा अलग भी था इसलिए। ये जो है ये है रेन प्रोटेक्टिव कवर, नॉर्मल सा है जो कि आजकल बैग के साथ भी हमें मिलता है। बरसात के समय में आप बचा सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। ये जेन्युइन लेदर कंपनी कहती है कि ये है, आप पास से देखिए। इसके अंदर हमें क्या मिलता है वो देखने वाली बात है। ये देखिए एक चेन है जिसमें ये कि पूरा तरीक़ा से इसको पैक किया जाता है। तो हम इसको निकालेंगे बाहर। जो सबसे काम की चीज़ इसमें है वो है ये। तो ये आप देखिए, सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करूँ तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ये एयर पॉकेट टाइप का है, इसमें जब आप हवा भरते हैं तो इसमें आप हवा भर देते हैं तो ये हवा आपके बैठने के पोजीशन के हिसाब से काम करती है। इसी बीच में मैं ये भी बता दूं कि गाड़ी में भी यानी कि कार या बाइक में भी बहुत तरह के सस्पेंशन यूज़ होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा सस्पेंशन सिस्टम बोला जाता है एयर सस्पेंशन को। यानी कि एयर सस्पेंशन में आपको सबसे ज़्यादा अच्छी फील होगा क्योंकि गाड़ी में आपको जो भी ब्रेकर्स हैं या जो भी शॉक है वो फील नहीं होगा। और उसी को ध्यान में रख करके इस प्रोडक्ट को भी बनाया गया है। तो इसमें आपको 40% हवा भरना है। 3 दिन कंपनी कहती है कि आपको शुरू में यूज़ करने में से थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होगा या अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, लेकिन उसके बाद 3 दिन के बाद ये आपको अच्छा लगने लगेगा। अब ज़रा सा इसको पॉज करते हैं वीडियो को और मैं इसमें थोड़ी सी हवा भरता हूँ और उसके बाद आपको और समझाता हूँ अच्छे से। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें लगभग 35-40% के आसपास में हवा भर दी है। अब हवा भरने के बाद क्या होता है इसमें वो आप देखिए। मान लीजिए आप यहाँ पर बैठे हो, जब आप यहाँ बैठते हैं तो हवा आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है और जब आप यहाँ से किसी भी इस पूरे एरिया में कहीं पे भी अगर आप बैठते हैं तो एयर अपने हिसाब से सेट होता है। दूसरी जो सबसे काम की चीज़ इसमें दी गई है वो है, आप अगर इसे मैं थोड़ा जूम करता हूँ वीडियो को आप देखें तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी होल्स बने हुए हैं, पतले होल्स हैं। और जब आप इसमें इसको डालते हैं तो आप इस तरह से समझिए कि कोई बंदा अगर इस पर बैठा हुआ है तो ये जो है वो ये जो होल्स हैं इससे एयर पास होगा और एयर पास होने के कारण यहाँ से भी या इसके जो लाइनिंग्स है वहाँ से भी एयर पास होगा। तो अगर एयर पास होता रहेगा तो आपको नमनेस फील नहीं होगी, वो जो आपको लगता है खून रुक गया है, शरीर में जाम फील होने लगता है, वो आपको नहीं फील होगा। इसके अंदर एक और भी काम की चीज़ है, ये कुछ रखने के लिए आपको दिया गया, आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं कोई काम की चीज़, बट मेरे ख्याल से तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें यही है। ये जो है वाटर प्रूफिंग केस, इसको आपको मोड़ के इसके अंदर में डाल देना है और इसको फिर अंदर रख करके इसको इसमें आपको डाल दें। तो इस तरह का दिखता है ये प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसको किस तरह से फिट करते हैं, उसके बाद फिर मैं इसको चलाऊँगा इसको लगा करके और उसके बाद देखेंगे इसका कम्फर्ट लेवल क्या है। अब हमने लगा लिया है अपना ये पिगो फ्लोट अपनी बाइक पर और अब हम इसको करेंगे टेस्ट। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कितना काम का है ये प्रोडक्ट। दोस्तों मैं बैठा हूँ, मैंने सोचा था टेस्ट करूँगा तब आपको बताऊँगा इसके बारे में,
लेकिन अभी बैठने के बाद ही मुझे यह फील हो रहा है कि यह काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। फिलहाल अभी जर्किंग टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि सच में क्या काम का है ये। तो दोस्तों ये हमने चलाना शुरू किया है अपना बाइक। दोस्तों यहीं पर मैं पहले ब्रेकर टेस्ट कर लेता हूँ इस गाड़ी की। दोस्तों गाड़ी गड्ढे में पटकाने के बाद में भी मुझे ये फील नहीं हो रहा है कि गाड़ी मेरी गड्ढे में पटकाई है। ये ब्रेकर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से, ये देख सकते हैं मैं इस पर चला रहा हूँ अभी, अभी आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा है। एक दो दिन का समय तो मुझे लगेगा ही इस पर सेट होने में, बट इतना है कि मैं अगर लॉन्ग ड्राइव पर जाता हूँ तो मुझे काफ़ी दिक्कत या काफ़ी आराम होगा, उल्टा बोल दिया मैंने, काफ़ी आराम होगा। और चलिए दोस्तों अब इसे रोड पर टेस्ट करते हैं। ग्राउंड में उबड़ खाबड़ रास्तों पर तो टेस्ट काफ़ी अच्छा रहा है। सीट काफ़ी उठ गई है, तो अगर कोई नाटा आदमी या जिसकी हाइट थोड़ी कम है वो इस गाड़ी को अगर चलाता है तो उसे इस तरह की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हाइट गाड़ी की थोड़ी उठ गई है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑसम एक्सपीरियंस है, लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी चीज़ पर बैठा हूँ। दोस्तों मज़ा आ रहा है, क्या बताऊँ आपको। 2000 रुपये लगे ज़रूर हैं, थोड़ा महंगा लगा था मुझे, लेकिन चीज़ जिस तरह की कंपनी ने दी है उसके बाद मैं एक बात तो कह सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये, और आप सबको भी ख़रीदना चाहिए इसे। जर्किंग जरा से भी नहीं है, लग रहा है कि हवा पे हूँ मैं, और जैसा सोचा था उससे अच्छा प्रोडक्ट है। मुझे लगा था नहीं कि इतना अच्छा प्रोडक्ट होगा। हाँ दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर इसमें आप हवा नहीं भरते हैं सही से तो आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हवा आपने गड़बड़ भर दी इसमें, थोड़ा ज़्यादा भर दिया, तो फिर आपको ये दिक्कत होगी, लेकिन मुझे फ़िलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है इस प्रोडक्ट में। तो दोस्तों अब हम इसको टेस्ट करेंगे इससे भी बुरी कंडीशन में, लेकिन उसके पहले हमें कुछ अच्छे रास्ते पर भी चलना है। तो दोस्तों ये है खराब रास्ता, और यहीं पर पता चलेगा कि ये कितना काम का प्रोडक्ट है। दोस्तों क्या बताऊं, यहाँ पे स्पीड कम करनी पड़ती थी मुझे, बट अभी मुझे कोई भी स्पीड कम करने की ज़रूरत नहीं है। इसको चेक करने के लिए इससे अच्छा रास्ता नहीं हो सकता, और इसी पर मैं आया हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी काम का प्रोडक्ट। दोस्तों ये पूरा का पूरा उबड़ खाबड़ वाला रास्ता है जहाँ पर मैं इसे चला रहा हूँ, और मुझे जरा से भी शॉक महसूस नहीं हो रही है अपने बाइक पर। मैं आराम से कह सकता हूँ आपको कि आप इसे ले सकते हैं, और इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है आपके मन में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका जवाब मैं आपको दूंगा। बट बुरे सिचुएशन में भी मैंने इसे चेक कर लिया है। Dreaming.